हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसकेएस क्लासेस। ये हमारा इंग्लिश ग्रामर का क्लास है और ये नाउन पार्ट 9 है, जिसमें हम नाउन के लास्ट दो टाइप सीखेंगे। सिंपल टाइप्स हैं और ये नाउन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए आज की टीचिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक आपको एक जनरल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिख रही है, जो हमारी क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में रेगुलर बैचेस भी चलती हैं। सो हमारा टाइप नंबर 11 एंड 12 है सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पे प्रेस करिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। वीडियो को शेयर भी करिए और इससे पहले वाले सभी पार्ट्स के वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो नाउन का एक कॉमन वीडियो रहेगा, रिवीजन वीडियो, जिसमें सारे 12 टाइप्स फास्टली 15 to 20 मिनट्स में सिखाए जाएंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टाइप है सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये वाला टाइप बहुत इजी होने वाला है। नाउन के पहले 10 टाइप्स पढ़ चुके हैं, ये लास्ट वाला जैसे आपने बचपन में सीखा होगा, वन एंड मेनी। जैसे एक होगा तो डियर है और मेनी होगा तो भी डियर है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसका सिंगुलर भी सेम होता है, प्लूरल भी सेम होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे एप्पल, दैट इज फॉर वन, और अगर ज्यादा एप्पल्स है फॉर मेनी, एप्पल्स बोलोगे। तो आपको एक चीज तो पता है कि हर चीज का नाम होता है, और कोई भी चीज होगी वो एक से ज्यादा क्वांटिटी में भी हो सकती है। जैसे यहां आपको एक बोर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक बोर्ड है तो आप बोर्ड्स कहोगे। वैसे एक नंबर यहाँ दिखाई देता है, ये नंबर यहाँ दिखाई देता है, नंबर उसका नाम हुआ। और अगर दो नंबर्स है तो हम, जैसे कि मैंने बोल भी दिया, नंबर्स कह दिया। तो जब नाउन एक से ज्यादा होते हैं उन्हें किस तरह से बुलाया जाएगा? लाइक एप्पल एक नाउन हुआ और ज्यादा एप्पल्स होंगे तो हम उसे एप्पल्स कहते हैं, ये स्पेशली उसका नाम प्लूरल फॉर्म के लिए। लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म सेम ही रहता है, एक डियर होगा या बहुत सारे होंगे, उनको डियर ही कहते हैं, डियर्स नहीं कह सकते। कुछ सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स सेम होते हैं, लेकिन बहुत सारे नाउन्स आपको मिलते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल वर्जन थोड़ा थोड़ा अलग दिखाई देता है। तो ये वीडियो नंबर 9 है, जिसमें हम लास्ट बचे हुए नाउन के टाइप सीख रहे हैं। इसके बाद प्रोनाउन वीडियो बहुत जल्दी आएगा। उससे पहले एक वीडियो आएगा जिसमें आपको पूरी नाउन की सारी 12 टाइप्स मिलेंगी, एक ही वीडियो से आप रिविजन भी कर पाओगे। चलिए आगे देखते हैं। सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब कोई एक चीज डिनोट करने के लिए होगा, प्लूरल नाउन का मतलब एक से ज्यादा चीजें होंगी तो डिनोट कर सकते हो, दिखा सकते हो, बोल सकते हो, एक ही चीज है, जैसे यहां दिख रहा है आपको। और सिंगुलर नाउन नेम्स वन थिंग, सिंगुलर नाउन नेम्स वन थिंग, आप इसे कह सकते हो कार। लेकिन प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन थिंग, एक से ज्यादा, दो, तीन, चार, पांच, दस हजार कितने भी हो, एक से ज्यादा। तो प्लूरल नाउन्स दो या दो से ज्यादा चीजें होती है, आप इसको कार्स कहोगे। एक होगी तो कार है और ज्यादा होंगी तो कार्स है। ये वर्ड जो चेंज हुआ, आपको सिंगुलर और प्लूरल यहां डिफरेंस दिखाई देता है, एक जिसे कहते हैं हम सिंगुलर और ज्यादा होगा तो उसे हम कहते हैं प्लूरल। सो व्हाट इज द डेफिनेशन जनरल? अ सिंगुलर नाउन नेम्स वन थिंग एट अ टाइम ओनली, बट प्लूरल नाउन्स नेम्स मोर देन वन थिंग, एक से ज्यादा चीजें प्लूरल नाउन्स दिखाते हैं। आई होप कि यहां आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो शॉर्ट होने वाला है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सिंगुलर एंड प्लूरल के कुछ और वर्ड आपको यहाँ दिखाई देते हैं। जैसे इन जनरल अगर आप देखो तो एक बर्ड को हम नॉर्मली वन होगा तो बर्ड कहते हैं,
मोर देन वन प्लूरल जिसे कहते हैं, ज्यादा बर्ड्स होंगे तो मेनी, आप इसे कह सकते हो वन एंड मेनी। आपने ये सीख रखा होता है, एक चीज होगी तो ये नाम आएगा, ज्यादा चीजें होंगी तो ये नाम आएगा। बर्ड होगा एक, बर्ड कहेंगे, ज्यादा होंगे बर्ड्स कहना पड़ेगा। एक है तो बुक, ज्यादा है तो बुक्स। एक है तो कैट, ज्यादा है तो कैट्स। एक है तो डॉग, ज्यादा है तो डॉग्स। वैसे ही पेन का पेन्स हो जाता है। और इन वर्ड्स को इसलिए लर्न करना पड़ता है, कभी कभी हम प्लूरल रॉन्ग बना देते हैं किसी का, डियर का डियर्स कर सकते हैं हम लोग, इसलिए हमें इन वर्ड्स को लर्न करना होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, इसके रूल सीखने होंगे। ये लिखना है आपने और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत सिंपल टाइप है, आपको सिंगुलर एंड प्लूरल ये नाउन के नेक्स्ट दो टाइप्स है, और इसके बाद 12 टाइप्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने फर्स्ट पेज पे देखा, डियर, कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिनका सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म सेम होता है। जैसे आपको डियर मिलेगा वैसे उसका प्लूरल फॉर्म डियर ही मिलता है, डियर्स नहीं कह सकते, एक डियर है तो भी डियर ही है और ज्यादा है तो भी डियर ही कहना पड़ेगा, डियर्स वाला वर्ड नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पे एक चीज पता चल गई कि कुछ नाम ऐसे हैं जिनका चेंज हो जाता है और कुछ ऐसे भी है जो सिंगुलर एंड प्लूरल में दोनों फॉर्म में कैसे रहते हैं, सेम ही नजर आते हैं। तो अलग अलग वर्ड्स आपको मिल जाएंगे लिस्ट में आगे। आप लोगों ने जब ये सिखाया जा रहा है इस वीडियो को रोक कर जो भी चीजें सिखाई गई है उसे नोटबुक में लिखना होता है, और लास्ट में जो होमवर्क आपको दिया जाता है उसे भी नोटबुक में लिख के सॉल्व करना होता है, तो आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर हो जाएगी। बहुत जल्द हम वीडियो के लिंक के नीचे आपको एग्जाम लिंक भी देंगे, जहां से आप एग्जाम भी दे पाओगे और रिजल्ट भी चेक कर पाओगे। सिंगुलर टू प्लूरल, अब देखिए सिंगुलर नाउन का प्लूरल नाउन कैसे बन जाता है। इन जनरल आपको कुछ सिंपल से ट्रिक्स यूज करने हैं कि यहां पे एक यस ऐड कर दिया लास्ट में तो प्लूरल हो जाता है। जैसे बुक बन गया बुक्स, एक यस लगाया, बॉय बन गया बॉयज, काउ काउज, सभी नामों को ऐसे यस नहीं लगा पाएंगे हम, कुछ अलग होगा, ठीक है। तो ये लिस्ट आप लोगों को लिखनी है 3 times, 3 times लिखनी है आपको ये लिस्ट, जिससे प्रैक्टिस हो जाए। फिर डूअर डूअर्स मिलेगा, फ्लावर फ्लावर्स मिलेगा, पेन पेन्स है, डेस्क डेस्क है, डे डेज है, मंथ मंथ्स है, काइट काइट्स है, ये सारे आपको सिंगुलर प्लूरल नाउन्स यहाँ पे देखने मिलते हैं। रोकिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंगुलर एंड प्लूरल की और एक छोटी सी लिस्ट यहां पे मिलती है, कुछ डिफिकल्ट और डिफरेंट वर्ड्स आपको यहां पे मिलेंगे। सिंगुलर एंड प्लूरल में आर्मी आर्मीज, अब यहां पे क्या चेंज हो गया, यहां पे वाई चला गया और आई एस आ गया, बेबी बेबीज आई एस आ गया, बेबी और बेबी ऐसे भी हो सकता है, बेंच बेंचेस यस लगाया, बर्ड को यस लगाया, बोट को यस लगाया। वैसे कुछ ऐसे नाउन्स है जिनको ईएस लगता है, किसी को आई एस लगाना पड़ता है, वाई होगा लास्ट में तो आई एस लगाया जाता है, कुछ को बस यस लगाया तो भी प्लूरल हो जाता है। तो ये वर्ड्स की लिस्ट भी आपने राइटिंग में 2 times या 3 times लिखनी है। स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो या तो वीडियो को पॉज करके भी आप लोग इसे लिख सकते हो, जितना राइटिंग करोगे उतने अच्छे से प्रैक्टिस होती है। चलिए नेक्स्ट पेज, आपको और थोड़ी सी लिस्ट है यहाँ पे, एक जनरल आपको कुछ न्यू वर्ड्स, अभी पहले बोलोगे डॉग तो उधर हो गया, तो कुछ वर्ड्स आपको रिपीट हो जाते हैं, कुछ वर्ड न्यू होते हैं, न्यू वर्ड्स के लिए लिस्ट रखी होती है। जैसे वाइफ वाइव्स पूरा चेंज हो गया, देखो वाइफ का आई तक ठीक है, एफ ई था, वी एस लगा दिया, मतलब कुछ एकदम अलग से चेंज होते हैं, ठीक है। टूथ एक, टीथ ज्यादा होंगे तो, फुट एक ज्यादा होंगे तो फीट कहते हैं, चाइल्ड एक, चिल्ड्रन ज्यादा होंगे तो, अब नॉर्मल सा वीडियो एंड वीडियोस ये तो हमको सिंपली पता है, कुछ इसको यस या यस लगा देते हो। चलिए ये आपका हो गया सिंगुलर एंड प्लूरल का यहाँ पे प्रैक्टिस, नॉर्मली आप लोगों को ये लिखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आपको कुछ रूल समझाते हैं कि यस कब लगता है, ईएस कब लगता है और आई ई एस कब लगाना होता है, तो ये चार्ट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको
कब किसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए किस नाउन में क्या ज्वाइन करना होता है समझ आ जाएगा। जैसे आपको यहां नजर आ रहा होगा, देखिए यस कब लगता है, जैसे कार है उसका कार्स बन गया, रेगुलर नाउन्स है, इनको यस लगाया गया। और कुछ ऐसे नाउन्स है जो यस, सी एच, यस एच, एक्स और जेड इनका लास्ट वर्ड होता है, जैसे बस में लास्ट यस है, मैच में यहाँ पे सी एच है, डिश में यस एच है, तो ऐसे वाले जो नाउन होते हैं इनको ई एस लगाया जाता है। जैसे बस को बसेस कर दिया जाएगा, मैच को मैचेस कर दिया जाएगा, डिश को डिशेस कर दिया जाएगा, बॉक्स को बॉक्सेस कर दिया जाएगा, क्योंकि जिसके लास्ट में लास्ट वर्ड देखिए एक या दो यस, सी एच, यस एच, यक्स और जेड होना चाहिए। जैसे क्विज, उसको ई एस लगाइए, क्विजेस, बॉक्स का यक्स है उसे बॉक्सेस कर दिया। वैसे ही जिस वर्ड में लास्ट यफ और ई एफ वाला लेटर आता है, यफ और ई एफ आता है, उसमें हमें वीई एस लगाना होता है, यफ को और ई एफ को हटाना पड़ता है, वीई एस लगाना पड़ता है। जैसे लीफ यफ है, लीव्स कर दिया, वुल्फ यफ है, वुल्व्स कर दिया, लाइफ यफ ई अभी यफ वी भी चलता है यहाँ पे, तो लाइव्स कर दिया, नाइफ नाइव्स कर दिया, इतना सिंपल है। वैसे ही जिस आपको वर्ड में वॉवेल मिलता है वाई वाला लास्ट में, एंड्स इन वॉवेल प्लस वाई, मतलब वॉवेल और वाई आ गया, एक वॉवेल आएगा और उसके बाद वाई आएगा, जैसे डी ए वाई डे, ये आ गया वॉवेल और एक आ गया वाई। अब इसको चेंज करने के लिए एक यस लगा सकते हो, तो एक साइड आपको जो लेफ्ट साइड दिखाई दे रही है पूरे यस वाले रूल्स है, यस कैसे लगाया जाता है, कब कब लगता है, बीच में आपको लिस्ट दिख रही है वो ईएस या आईईएस कब लगता है उसकी है, वैसे लास्ट वाली आपको मिलती है वीईएस या कंप्लीट डिफरेंट इरेग्युलर वाले फॉर्म्स मिलते हैं, या तो जिसका चेंज ही नहीं होता है वो वाले फॉर्म्स, यहाँ पे आपको डिफरेंट वाले फॉर्म्स लास्ट वाले कॉलम में मिलते हैं। इसे भी आप लिखोगे इसकी तरह, जो वर्ड्स मिलते हैं इसकी लिस्ट बनाओगे अलग अलग, और फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो राइट दिस एटलीस्ट 2 times। ये राइटिंग क्यों करनी है, क्योंकि फिर आपको समझ आएगा कि नाउन सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। ये अब नॉर्मली एंड हो गया, अब आपको कुछ प्रैक्टिसेस यहाँ पे जो आपने अभी अभी रूल्स किए उसी रूल की यहाँ पे प्रैक्टिस मिलती है। मोस्ट नाउन्स एड यस टू फॉर्म प्लूरल, बहुत सारे नाउन में यस लगाने से उसका प्लूरल बन जाता है। नाउन्स दैट एंड विथ यस एच, सी एच, यक्स, जेड और यस, उसमें ई एस लगाना पड़ता है, अभी अभी हमने रूल देखा। नाउन्स एंड विद वॉवेल प्लस वाई, जिसमें लास्ट में वॉवेल एंड वाई आता है उसमें लास्ट में यस लगाना पड़ता है, वाई आपको यहाँ पे देखा आपने, डे का डेज कर दिया था। नाउन एंड विद कॉन्सोनेंट, साधा वाला लेटर और वाई आएगा तब उसमें वाई चेंज किया जाता है आई के साथ और उसको ई एस लगाया जाता है, मतलब आई ई एस लगाना पड़ता है टोटली। नाउन दैट एंड विद यफ और एफी, उसको वी एस लगाना पड़ता है, ये रूल हमने पहले भी देखे। नाउन्स एंड विथ वॉवेल प्लस ओ, जिसमें वॉवेल और ओ आता है लास्ट में, उसे हम यस लगा के एंड कर देते हैं। नाउन्स एंड विथ कॉन्सोनेंट एंड ओ, इसको हम ई एस लगाते हैं। देयर इज जनरल प्रैक्टिस रूल्स, यू शुड राइट इट मोर देन 3 times। रूल्स है, रूल्स को याद तो रखना पड़ेगा। अब ये रूल्स याद रहेंगे तो कौन से नाउन का प्लूरल कैसे बनता है आपको याद रहेगा। ओके, चलते हैं अब आगे। ये है आपके लिए होमवर्क। अब इस होमवर्क को 2 times नहीं करना है, इसे क्या करना है आपको, जैसे आपने प्रैक्टिस कर ली, देखना है रूल वाइज इसका प्लूरल फॉर्म लिखना है। चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, मैन का मेन हो जाएगा, वुमेन का क्या होगा, वो आप लोगों को अब सॉल्व करना है। यहां आपको लिखना है उसका आंसर। ये पूरे आपको वर्ड्स यहां जो दिखाई दे रहे हैं, इन सभी वर्ड्स के आपको आंसर्स लिखने हैं। अब कुछ वर्ड्स के लाइक हम कभी कभी कुछ होमवर्क के आंसर्स भी प्रोवाइड कर देते हैं, इसी वीडियो में आपको होमवर्क के आंसर्स भी मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपने सॉल्व करना है, फिर आपके आंसर्स को चेक करना होता है। चलिए अब इसके आंसर्स देख लेते हैं। ये होमवर्क आप सभी ने सॉल्व करना है। ये है सारे जो वर्ड्स अभी दिए हैं उन सभी वर्ड्स के आंसर्स। जब आप लोगों ने पहले होमवर्क सॉल्व कर लिया होगा तब आप लोगों को ये वर्ड चेक करने होते हैं, उससे पहले आप इन्हें चेक नहीं करो तो आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर होगी। पहले ही देख के कॉपी कर लोगे, जैसे मैंने आपको बोला चाइल्ड का क्या होता है, चिल्ड्रन होता है, मैन का होता है मैन, वुमेन का होता है वुमेन,
वाइफ का होता है वाइव्स, नाइफ का होता है नाइव्स, ये सारे वर्ड जो आपको होमवर्क में दिखाई दे रहे हैं सभी वर्ड्स के यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले पेज पे मिलते हैं आंसर्स। इज इट क्लियर? सो होमवर्क कंप्लीट करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए और वीडियो के लास्ट में जो रिडल होती है उसे भी सॉल्व करिए।